Hello everyone and a very good morning to all of you. Welcome back once again to the session of PIB 24/7. Main hu Manish Mishra and guys, in today's session we are going to discuss about very important national strategy for financial education, and we are also going to discuss about the various loans that were given by Asian Infrastructure Investment Bank to central government and also to the various state governments. Okay, so chaliye start karte hain aaj ka session with question number 1. So Government of India, the Government of Maharashtra, Mumbai Railway Vikas Corporation and AIIB have signed a loan agreement for Mumbai Urban Transport Project 3. So the question is, which of the following is true about the various loans sanctioned by AIIB to India? Okay. So guys, recently ye jo Asian Infrastructure Investment Bank jo news mein tha, wo isliye tha because there has been a loan agreement between the Government of India, Government of Maharashtra, Mumbai Railway Vikas Corporation and AIIB for a $5 million Mumbai Urban Transport Project 3. Okay, एक ये ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है जिसका नाम है मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट. इसके लिए $500 million दिए गए हैं फ्रॉम द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB. एंड दिस प्रोजेक्ट इज टू इम्प्रूव द नेटवर्क कैपेसिटी, सर्विस क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ द सब अर्बन रेलवे सिस्टम इन मुंबई. मुंबई के अंदर जो सब अर्बन रेलवे सिस्टम है उसकी नेटवर्क कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए, उसकी क्वालिटी को, उसकी सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है. इस प्रोजेक्ट के अंदर इन सभी चीजों पे काम किया जाएगा और इसके लिए $500 million का लोन दिया गया है बाय AIIB. ओके, एंड गाइस, दिस प्रोजेक्ट इज सुपरवाइज्ड एंड इंप्लीमेंटेड बाय द मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी. यू शुड रिमेंबर द नेम ऑफ दिस अथॉरिटी, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी. ओके, एंड दिस वी ऑल नो टू एनहांस द नेटवर्क कैपेसिटी, सर्विस क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ मुंबई सब अर्बन रेलवे सिस्टम. एंड इस प्रोजेक्ट को 2022 तक कंप्लीट होना है. द डेडलाइन ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज 2022. एंड गाइस, दीज आर द वेरियस लोन्स दैट वर गिवन बाय AIIB टू इंडिया रिसेंटली. सो फॉर बैंगलोर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट $335 million 335 million दिए गए हैं. फॉर गुजरात रूरल रोड्स प्रोजेक्ट $329 million वॉज गिवन बाय AIIB. इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में AIIB ने कंट्रीब्यूट किया है. आंध्र प्रदेश 24/7 पावर फॉर ऑल प्रोजेक्ट में AIIB का कंट्रीब्यूशन है. एंड ऑल्सो $750 million दिए थे AIIB ने इंडिया को फॉर COVID-19 सपोर्ट. ओके, COVID-19 से लड़ने के लिए AIIB ने इंडिया को दिए थे $750 million 750 million US. ओके, सो दिस इज अबाउट द रिसेंट लोन न्यूज. एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट वेरियस लोन्स. सो करंट लोन अगस्त 2020 में जो दिया गया है इज ऑफ $500 million फॉर महाराष्ट्र अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट 3. यस, दिस इज ऑफ $500 million. एंड $750 million फॉर COVID-19 सपोर्ट फॉर इंडिया. यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू. सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर विल बी व्हाट गाइज, ऑप्शन ई, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज बेस्ड ऑन एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक. ये बहुत आपका ये स्टैटिक क्वेश्चन है, ये आपका फेज 1 में पूछा जा सकता है. इनफैक्ट ये इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज या फिर आपके FM के पेपर में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि जो वेरियस बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़े बड़े बैंक्स हैं, जो भी इंटरनेशनल, उन सब के बारे में क्वेश्चन कभी ना कभी पूछा जाता है, या तो फेज 1 में या समटाइम्स इन ESI सेक्शन और इन द फाइनेंस एंड मैनेजमेंट सेक्शन. ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट AIIB. सो इट इज हेडक्वार्टर्ड इन बीजिंग. येस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. इट इज हेडक्वार्टर्ड इन बीजिंग एंड इट इज हेडेड बाय जिन लिकन. इनको रिसेंटली दोबारा से प्रेसिडेंट बनाया गया है ऑफ AIIB. It was established in January 2016. No guys, it was established in the month of December 2015, but it commenced its operation in July 2016. So this statement is incorrect. So therefore the correct answer should be what, option B. Okay, and this is these are some basic points about AIIB. So it is a multilateral development bank with a mission to improve socio economic outcomes in Asia and beyond, headquartered in Beijing, established in December 2015. Commenced operations in January 2016. 103 members हैं. इंडिया भी इसका मेंबर है और इसका इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है. नंबर 1 पे कौन है, चाइना. ओके, चाइना इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स विद अ वोटिंग पावर ऑफ 26.6%, फॉलोड बाय इंडिया विद 7.62% वोटिंग पावर. सो अगर हम बाकी स्टेटमेंट्स की बात करें, सो ऑल ऑफ देम शुड बी करेक्ट. सो चाइना इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर, येस. इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट, येस. एंड इट इज द लार्जेस्ट बेनिफिशियरी. इंडिया इज द लार्जेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ AIIB फाइनेंसिंग फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. सो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी वॉट गाइज, ऑप्शन बी. एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, विच इज अबाउट द नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन. सो नाउ लेट अस फर्स्ट डिस्कस अबाउट दिस. सो रिसेंटली गाइज, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रिलीज्ड अ नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन दैट इज टू बी इम्प्लीमेंटेड इन द नेक्स्ट 5 years. मतलब 2020 से 2025 तक का ये स्ट्रेटजी है. इसको
अगले 5 साल में इंप्लीमेंट करना है. एंड रिमेंबर वन थिंग दैट इट इज द सेकेंड NSFE. ओके, ये जो NSFE है यानी कि नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन है, ये सेकेंड है. इससे पहले जो पहला वाला रिलीज हुआ था दैट वॉज इन द ईयर 2013. And this is aimed at creating a financially aware and empowered India. Basically, जो हमारे देश के लोग हैं, हमारे जो citizens हैं, उनको financially aware करना कि वो किस तरीके से अपनी savings को बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से वो digital banking का part बन सकते हैं, किस तरीके से वो अपने accounts की पूरी जानकारी रख सकते हैं, किस तरीके से वो अपने accounts की safety की जानकारी रख सकते हैं, कौन से insurance plan उनको आज लेने चाहिए जो कि in future उनको benefit देंगे, कौन से रिटायरमेंट के बेनिफिट्स उनको लेने चाहिए. तो इन सभी चीज़ों को एम करते हुए इस नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन को लॉन्च किया गया है. एंड द मेन ऑब्जेक्टिव इंक्लूड मैनेजिंग रिस्क एट वेरियस लाइफ स्टेजेस थ्रू रेलेवेंट एंड सूटेबल इंश्योरेंस कवर बिसाइड्स प्लानिंग फॉर ओल्ड एज. मतलब बेसिक जो इसका एम है दैट इज मैनेजिंग रिस्क, जो अलग अलग लाइफ स्टेजेस है उन पर रिस्क को मैनेज करना थ्रू रेलेवेंट एंड सूटेबल इंश्योरेंस कवर. क्योंकि गाइज ऑब्वियसली अगर कोई पर्सन यंग है और कोई पर्सन ओल्ड है तो उन दोनों के लिए जो भी सूटेबल इंश्योरेंस कवर होगा उसमें डेफिनेटली एक डिफरेंस होगा. सो एक ओल्ड पर्सन के लिए इंश्योरेंस कवर जो होगा उसकी रिक्वायरमेंट्स अलग होंगी और एक यंग पर्सन के लिए जो इंश्योरेंस कवर होगा उसकी रिक्वायरमेंट्स अलग होंगी. सो दिस नेशनल स्ट्रैटेजी इज एम्ड एट मैनेजिंग रिस्क एट वेरियस लाइफ स्टेजेस. ओके, एंड इफ यू टॉक अबाउट द रेगुलेटर्स, ओके, सो इसके अंदर ये जो NSFE है इसको बनाया है किसने, नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन ने, इन कंसल्टेशन विद द 4 फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स. 4 रेगुलेटर्स की मदद से बनाया गया है बाय नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन. एंड नाउ आपको कंफ्यूज नहीं होना है गाइस, इट वाज रिलीज्ड बाय RBI, ओके, बट इट वाज प्रिपेयर्ड बाय नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन इन कंसल्टेशन विद दीज 4 रेगुलेटर्स. एंड इन चारों रेगुलेटर्स का नाम आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है. RBI, SEBI, IRDAI एंड PFRDA. RBI गवर्नर है शक्तिकांत दास, हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई. ऑलराइट, SEBI इज ऑल्सो हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई. इट इज चेयर्ड बाय मिस्टर अजय त्यागी. अजय त्यागी इज द चेयरपर्सन ऑफ SEBI. PFRDA हेडक्वार्टर्ड इन न्यू दिल्ली, चेयरपर्सन मिस्टर सुप्रतिम बंदोपाध्याय. एंड IRDAI हेडक्वार्टर हैदराबाद एंड इट इज हेडेड बाय मिस्टर सुभाष चंद्र खुंटिया. ओके, सो यू शुड रिमेंबर द हेडक्वार्टर्स एंड द चेयरपर्सन ऑफ द वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस. ऑलराइट, एंड इसके अंदर गाइस 5C अप्रोच फॉलो की गई है. एंड ये 5C अप्रोच क्या है, कंटेंट, कैपेसिटी, कम्युनिटी, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन. ये भी आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है. सो कंटेंट के अंदर क्या होगा, एक फाइनेंशियल लिटरेसी का कंटेंट तैयार किया जाएगा फॉर वेरियस सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन ताकि उनको फाइनेंशियली अवेयर किया जा सके. एंड ऑल्सो जो एजुकेशन प्रोवाइडर होंगे उनकी कैपेसिटी को डेवलप किया जाएगा एंड कोड ऑफ कंडक्ट उनका तैयार किया जाएगा ताकि वो प्रॉपरली एजुकेशन प्रोवाइड करा सके टू द सिटीजंस ऑफ इंडिया. ओके, कम्युनिटी लेड अप्रोचेस को फॉलो किया जाएगा फॉर डिसेमिनेटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी इन अ सस्टेनेबल मैनर. कम्युनिकेशन का यूज करते हुए, टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए, मीडिया और इनोवेटिव वेज का यूज करते हुए जो सिटीजन्स है उन तक फाइनेंशियल लिटरेसी को पहुंचाया जाएगा. एंड जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सभी के साथ कोलैबोरेट करते हुए फाइनेंशियल लिटरेसी पहुंचाई जाएगी टू द वेरियस sections of the society. Okay, so this is a 5C approach: content, capacity, community, communication and collaboration. All right, and if you talk about content coverage, so इसके अंदर ये कहा गया है कि जितने जो भी financial education content है उसको integrate किया जाएगा with the school curriculum and various professional and vocational courses and also in B.Ed. M.Ed. programs के अंदर इन financial education content को integrate किया जाएगा. And there will be a monitoring and evaluation framework that will be there to assess progress that is made under the strategy. जो ये strategy बनाई गई है इसके अंदर क्या progress हुई इसको assess करने के लिए एक monitoring and evaluation framework भी होगा. And there is a group that will be responsible for it and the name of the group is Technical Group on Financial Inclusion and Financial Literacy. This group will be responsible for the monitoring and evaluation framework which will assess the progress made under the strategy. Alright, and significance तो guys आपको clear होगी. The strategy seeks to develop credit discipline and encourage availing of credit from formal financial institutions as per the requirement. और इसकी मदद से जो informal जो lenders होते हैं उनको भी बिल्कुल sideline करने का aim है of the government of India. And it wants to improve usage of digital financial services in a safe and secure manner. All right. So this was about guys national strategy for financial education. And now let's move on to question number 3 and 4. So
A national strategy for financial education is to be implemented in the next 5 years. Question is, which organization has released this strategy? So this strategy has been released by RBI, Reserve Bank of India, and RBI ने अभी कुछ समय पहले एक पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड भी लॉन्च किया था ऑफ 500 करोड़, ओके 500 करोड़ का पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड भी लॉन्च किया गया था बाय आरबीआई, ओके. एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज NSFE 2025 is based on 5C approach to achieve the financial well-being of all the Indians. Which of the following is not a part of this approach? So, content, capacity, community, communication and collaboration. Okay, collaboration. So, these are the 5Cs. Creativity is not one among them. So, option E will be the correct answer. Okay. And now, let's move on to question number 5, which is the last question for today. And guys, this question is also very important. Isme kuch facts aapko janne ko milenge, jo ki aapke exam point of view se kaafi important hai. So the question is, public health groups along with doctors and economists have urged the GST Council to increase compensation cess on all the tobacco products. Which of the following is not correct about the tax burden on tobacco products? जो tax burden है tobacco products के ऊपर उसके बारे में इनमें से क्या correct नहीं है? Okay, so the question is, so there was recently a plea to hike cess on tobacco products. जितने कुछ public health groups हैं उन्होंने जीएसटी काउंसिल को अर्ज किया है कि जो टोबैको प्रोडक्ट्स है उनके ऊपर जो कॉम्पेंसेशन सेस है उसको बढ़ा दिया जाए. अब इसके जो कॉम्पेंसेशन सेस है इसको बढ़ाने के बेनिफिट्स क्या होंगे? तो गाइज इसके दो बेनिफिट्स हैं. पहला बेनिफिट तो यह है कि रेवेन्यू जनरेशन होगा. इट विल जनरेट एडिशनल 49,740 करोड़. सो अप्रोक्सीमेटली 50,000 करोड़ रुपीज ये जनरेट कर देगा एडिशनली. एंड दिस रेवेन्यू can be used as a compensation by different states during the pandemic and to disburse the dues already owed by the center. मतलब pandemic के समय कई जो states हैं उनकी जो compensation needs है वो बढ़ गई हैं. उन compensation needs को इस additional revenue से पूरा किया जा सकता है. And also अगर कोई dues center के पास रह गए हैं तो उनको भी complete खत्म किया जा सकता है with the help of this additional revenue. And दूसरा benefit guys इसका ये है कि अगर tobacco का जो प्रोडक्ट्स है वो महंगा हो जाएगा तो उसकी अफोर्डेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी. देन काफी टोबैको यूजर्स ऐसे होंगे जो कि मोटिवेट होंगे टू क्विट द टोबैको. एंड इट विल आल्सो प्रिवेंट यंगस्टर्स फ्रॉम इनिशिएटिंग टोबैको यूज बिकॉज महंगा होगा तो हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा. ओके, नाउ व्हाट इज द नीड ऑफ द मूव? सो नीड में सबसे पहला बात तो ये है कि इंडिया में जो टोबैको यूजर्स है वो बहुत ज्यादा है. इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ टोबैको यूजर्स इन द वर्ल्ड और जिसमें से 12 लाख की डेथ हो जाती है हर साल फ्रॉम द टोबैको रिलेटेड डिजीजेज. और अगर आपको याद हो तो हमने कुछ समय पहले नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट के बारे में भी पढ़ा था तो उसमें भी यही हमने पढ़ा था दैट 27.1% ऑफ द केसेस ऑफ द कैंसर केसेस इन इंडिया आर रिलेटेड टू द टोबैको कंज्यूमर्स. ओके, एंड दूसरा रीजन ये है दैट WHO रिकमेंड्स टोटल टैक्सेस टू रिप्रेजेंट एटलीस्ट 75% ऑफ द रिटेल प्राइस फॉर ऑल द टोबैको प्रोडक्ट्स. WHO का ये रिकमेंडेशन है कि जितने भी टोबैको प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर कम से कम 75% का टैक्स होना चाहिए. लेकिन इंडिया के अंदर जो सिगरेट्स के ऊपर टैक्स है दैट इज ओनली 49.5% विच इज वेरी लेस देन द रिकमेंडेड टैक्स फ्रॉम WHO एंड 63.7% फॉर द स्मोकलेस टोबैको. एंड बीड़ी पे तो गाइस केवल 22% है, बहुत कम टैक्स है. सो सिगरेट्स हो चाहे स्मोकलेस टोबैको हो या बीड़ी हो इन सभी के ऊपर जो रिकमेंडेड टैक्स है By WHO उससे काफी ज्यादा कम है. सो वी शुड इंक्रीज द कॉम्पेंसेशन सेस ऑन द टोबैको ताकि हमारा रेवेन्यू भी जनरेट हो और काफी लोग इससे क्या होंगे डीमोटिवेट होंगे फॉर यूजिंग द टोबैको प्रोडक्ट्स. ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द टैक्स बर्डन. सो WHO रिकमेंड्स टोटल टैक्सेस टू रिप्रेजेंट एटलीस्ट 75%. यस, इन इंडिया टैक्स बर्डन इज 49.5% फॉर सिगरेट्स. यस, एंड इंडिया tax burden is 63.7% for smokeless tobacco. This is also correct. And BD ke upar, there is only 22% tax. Okay. So all of the statement are correct, which means none is incorrect will be the correct answer. Option E will be the correct answer. Okay. And that's it for the session today. I hope you like it. For more updates, do subscribe our channel and press the bell icon. And for more sessions like this, do buy our paid courses of RBI, SEBI, NABARD and UGC. एंड गाइज आजकल कुछ चैनल्स पे खबरें उड़ रही हैं कि आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम नवंबर में होने वाला है. सो ऐसे खबरों में ना पड़े बिकॉज अक्टूबर में उसका इंटरव्यू होगा DEPR और DSIM का. उसके बाद आरबीआई ग्रेड बी 2019 का रिजल्ट आएगा और उसके कम से कम एक महीने के बाद जो है आरबीआई ग्रेड बी का नोटिफिकेशन आने की उम्मीद है. सो एटलीस्ट अगर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं सो एट द अर्लीस्ट जो एग्जाम होगा या नोटिफिकेशन आएगा वो दिसंबर से पहले नहीं आने वाला.
एक दिसंबर से पहले नोटिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल। सो ऐसे चैनल्स की बातों में ना आए, अपनी प्रिपरेशंस को आराम से करते रहें, कोई जल्दीबाजी की बात नहीं, कोई हड़बड़ाहट की बात नहीं है, बट इतना मैं आपको इंश्योर कर सकता हूं दैट नोटिफिकेशन विल डेफिनेटली कम, ओके, बिकॉज देर आर सम वैकेंसी, जो वैकेंसीज है वो डेफिनेटली होगी आरबीआई में, हर साल ही होती हैं तो इस बार भी होंगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।